हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग है 7:45। थोड़ा सा लेट लतीफ़ छुट्टी की वजह से, क्रिसमस डे। तो सबको मेरी क्रिसमस डे। और भाई, आज फोग वाला मौसम है। मैं और आरुष यहाँ पे लेट रहे थे बिस्तर में, और इसने ना हमारे कंबल खींच के रख दिए अंदर। संदूक पे रखे जाते तय करके। तो बहुत पुरानी परंपरा है ये भाई, जो बिस्तर होते हैं हमारे सर्दियों वाले, वे तो अक्सर इकट्ठे करके तय करके संदूक पे रखे जाते हैं। तो वे रख दिए स्टोर में संदूक पे, और कह रही खड़े हो लो अब जा बाहर को चलो। देखियो भाई, इतनी धुंध है, बाहर को जाके क्या करेंगे? अपना अपना काम करो सब। जिसका जो कुछ काम दिखने है, गई नहीं, दिखने का नहीं कुछ भी। विजिबिलिटी हो रही है बहुत कम। आरो बताओ क्या दिख जाएगा भाई यार, है? इतनी ठंड में कुछ नहीं दिखने गई भी, थोड़ी देर लौट जाओ। और इसने हमारे बिस्तर खींच के रख दिए। ऐसी तो है, बताओ इतनी कैसे तो निकाल चलेगा, लियो फिर। है? इतनी बड़ी थोड़ी बात है कि बिस्तर तो निकाल ला। हाँ, सही बात कह रहा है यार तू। इसे नीचे को झाड़ दे और हम ना फिर अपना बिस्तर निकाल कर इसी में लौट मारेंगे। यार बहुत अच्छा लगे है गर्माई आ गए जब कम्बल में, इतनी ठंड में सुबह की नींद तो बहुत ही फन्ने खां हो जा। ठीक है। और रात भाई, लेट नाइट जो है, अमित का बर्थडे सेलिब्रेट करके आए थे, तो उसने डांस करा था। तो भाई अब ये डांस की परफॉर्मेंस इसकी सुधरती जा रही है थोड़ी थोड़ी। तो अमित हाँ, भैया की शादी से पहले से डांस सीखना पूरा तगड़े वाला। तो भाई ये डांस कर रहा है आजकल, और छोटे इसका छोटे इंटरेस्ट भी भाइयों के बड़े भैया, तो तेरी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब छोटे छोटे भाई नहीं है उसके। तो चलो भाई, जब इसने हमें उठा ही दिए, जगा ही दिए, मतलब बिस्तर खींच के हमारे रख ही दिया, तो भाई अपना करते हैं रूटीन सुबह का शुरू। गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी करनी है क्लीनिंग और फिर चलना है मम्मी, नीचे। एक बात नीचे को तो करेंगे आप भी ब्रेकफास्ट की सुन जाएगी। तैयारी। मम्मी एक बात को तो सुन जाएंगी, अमित भैया की शादी में सब्सक्राइबर भी आ सके। सब्सक्राइबर आएंगे भाई, हाँ उनके बिना बिल्कुल शादी अधूरी रहेगी। सब्सक्राइबर हमारी फैमिली है। तो ये है, देखो भाई, अभी 8 बजे का भी मौसम, कितनी सारी फोग है आज। बहुत दिनों बाद फोग दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि शुरू हो गया बस फोग का सीजन। आरुष आरुषी नीचे जा चुके हैं, वो देखो बाहर घूम रहा है। और नंदनी भी भाई जग चुकी है, जग के बाहर बैठ गई है अभी, और उठते ही क्या देख रही है आरुषी, क्या दिखा रही है इसे, हैं? अलग अलग फिल्टर लगाने आ गया आरुषी भी, और फिल्टर लगा के फोटो खींच रही है। दिखाइए, ये देखो कैसे कैसे फोटो खींच दिए इसने अपने, हैं? और माँ जो है भाई, एक बार ब्रेकफास्ट बना के परी वाला चाचा और पिताजी के लिए, फिर बिस्तर में एक बार चाय बन चुकी। 5 बजे जग जाते हैं पिताजी, और भाई देखते रहते हैं कि कब मैं निकलूँ बाहर। हम इतना कह रहे हैं कि अभी कहाँ जा रहे हैं इतनी सर्दी में, लेकिन भाई उठने की आदत है, 5 बजे तो 5 बजे उठेंगे वे। अब दिन नहीं निकलता तो क्या करें हम। चिंकी और गुड्डू मस्त एकदम छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं, सो सो के। कहाँ सी? वहाँ बैठते हैं। वहाँ बैठ के देख रही थी? अच्छा, गुड मॉर्निंग, तेरी जैकेट कहाँ है बोले? तो भाई ज़्यादा देर तक जो है इन्हें रोक नहीं सकते बाहर निकलने से, घर में जाने के लिए तैयार हो गए बालक सब, और मुझसे पहले ही चले गए। और हम लेके जा रहे हैं चाय भाई अपनी टीम की। तो सुबह अभी बज गए हैं 9:15, और चाय का हो गया है टाइम। और कुछ और भी राशन पानी है इसमें भाई, पपीज होते हैं ना वहाँ सी सड़क में, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करी थोड़ी सी। आगे आगे चल के सबसे पहले जितने भी पपीज हैं सबको इकट्ठा कर रहे हैं वो बुला के। अरे ये आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया, आ जा भाई आ जा भाई आ जा। हाँ, और एक इससे इससे छोटे वाला कहाँ है? काफी आराम है, काफी आराम है इसे, नहीं तेज भागता है। यो पैर रखे तूने यहाँ पे, कपड़े भी गंदे कर रहा मेरे, यो कर रहा यो। चल कोई बात नहीं, गलती से हो गया उस पे, गलती से मिस्टेक कर दी इसने। कौन सा अलग रखियो ना, दे दी थी तड़की, तुम्हें दे दिया था तुम्हारे हिस्से का, तुम इन बच्चों के हिस्से का हक मत मारो, वहीं रहो पीछे, ठीक है? तुम्हें मिल गया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। चलो और उसी उधर रखो, इधर घास पे रखो थोड़ा थोड़ा सा, इधर को और उसी इधर, यहाँ घास पे वहाँ मिट्टी में हो जाती है, तो इनके लिए ना वो लाओगे एक क्या अखबार या बर्तन प्लास्टिक का, उस पर रखा करेंगे। फिलहाल तो रख दो यहीं पे, हैं? पापा जी, किनका खाना? चल
में थे अभी अभी चल रहे थे इधर को वहाँ आगे वो घर भी पहुंच जाते हैं, ये घर नहीं पहुंच पाते हैं। इनका तेज तेज आज वे कहाँ है, दो लड़ रहे आपस में, देखो इसे नहीं खान दे वे बड़े वाले। हाँ, यो इसे नहीं खान दे वे कहीं गश्त पे निकल रहे होंगे इनसे बड़े वाले। यो इसे नहीं खान देना है, यो धमका रहा है इसे, देखो नहीं धमका वे नहीं नहीं धमकाता नहीं है वो अच्छा। और उसी इसे इधर दे दो, लड़ भी रहा लड़ भी रहा वो, ये देखो वो लड़े ना। भाई इनका हो गया है नाश्ता, फिर खाने का जुगाड़ इनका करेंगे, अभी छोटे हैं ये कहीं निकल नहीं सकते। ये वाले देखो ये यहीं पे रहते हैं और भोजन की व्यवस्था इनके लिए यहीं पे हो जा। आ जाओ बच्चों अब आ जाओ देखो। चलो भाई ये देखो फोग की स्थिति कैसे लग रहे हैं, खेत दिख नहीं रहे हैं और हम चाय लेके अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। अब कहाँ रह गए, विजिबिलिटी देखो थोड़ी सी दूर की है बस, ज्यादा दूर की नहीं है। पीछे पीछे ही आवेगी और कहाँ जाओ जाओ जाओ। ये देखो भाई इन्होंने भी एक यहाँ घर में अलग घर बना रखा और ये इधर की साइड घूम रहे, पीछे की साइड शोर मचा रहे। ओ भाई तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा, पीछे जंगल है ए भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा, इसलिए डर नहीं लग रहा, चोट ना लगवा ले, टंडी ना मार दे भाई इसके। क्या कर रहा तू? अच्छा ये देखो ये झाड़ने का तरीका, कट्टे को बस जड़ तो गया, मारेगी। ये देखो भाई यो बना रखा इन्होंने अपना अलग घर, ये कट्टे बिछा के खेल लेंगे यहाँ से। ओ भाई बहुत ठंड हो रही है अंदर, वहां गैलरी में बिछा लो। इसे मैंने परसों से एक ट्रेनिंग दे रखी, सारे बच्चों को आपस में भाई बहन कह के बोलना, तो ये वही चीज बार बार रिपीट कर रही। ये इसकी बहन लगे, ये इसका भाई लगे, ये मेरा भाई लगे, मैं इसकी दीदी लगूं, तो एक चीज को लेके बैठी नंदनी। जो मैंने पौध लगाई थी वो तो खड़ी होगी, चच्चा वाली नहीं हुई, चच्चा वाली तो पड़ी हुई है। मैंने एकदम सुरक्षित पौधे लगाए प्याज के, एक रात में ही खड़े देखो। और उधर चाचा जी ने लगाए थे, ये भी हो जाएंगे नु कह रहे थे चाचा जी, को ये गिर के खड़े हुए हैं। ये देखो पता नहीं भाई रुकेगी नहीं ये सब्जियां, क्योंकि लेवल होना है इस वाले एरिया का पीछे से लेकर आगे तक। और अभी चल रही है वहाँ पे चाय, मैं चाय लेकर आई थी, टी टाइम है। मैं क्या सारे के सारे ले आए थे हम, ये वाला रह गया एरिया, बाकी सब कंप्लीट हो गया इधर का। ये देखो पीछे का बराबर साइड का एक वो वाला रह रहा जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। हम गुड्डू चिंकी वो कह रहे हैं कि बिस्तरे छोड़ दो, बिस्तरों में से निकल जाओ, ये बिस्तरे उठ जाएंगे, घर में साफ सफाई हो जाएगी थोड़ी सी, नहीं तो इतना काम जाए दूसरा मिलने का नहीं। ये देखो माता जी तो आज बिस्तरे में ही है, ये देवी उठने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी, आज दर्द ज़्यादा है दिख है, जिस दिन सर्दी हो उस दिन दर्द ज़्यादा हो। और अभी भी तिरछी सी हो रही माँ, तो उधर वो लगा रखी माँ ने अपनी शिकायत करने के, वो जेल है उसमें पता नहीं क्या बोल रहा है उसने, तो मुझे पता नहीं। चिंकी ने तो छोड़ दिया भाई बिस्तर, वो तो चली गई प्रीति के कमरे में, बच्चे छोटे वाले चले गए घेर में और फिर आगे थे फिर चले गए, अब फिर चले गए कंप्यूटर देखने के लिए। गुड्डू ने बनाई थी मैगी अपने लिए, ऐसे मौसम में मैगी मुझे भी अच्छी लगी, मटर डाल के बनाई थी उनने, उसमें मैगी कम मटर ज़्यादा, वो वाली अच्छी लगे मुझे तो, जिसमें सब्जियाँ ज़्यादा हो। अब कुछ और खाना बनाने की तैयारी करेंगे, गड्ढे में और क्या करूँ पा रहा है इसकी, कर दूँ कुछ हाथ की मरम्मत। आज पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे कोहरे वाला ही रहेगा। और अभी हम लोग लगते हैं क्लीनिंग में, क्योंकि भाई कोई भी आ जा नुगैरी गुड्डू तो ऐसी सर्दी में कौन आ रहा, मम्मी मम्मा का बेटा आने का कुछ पता नहीं लगता, कौन कब किससे मिलने के लिए आ जाए जानने वाला। और स्कूल और आज कपड़ा प्रेस कर रही है, इसे कल जाना है स्कूल में और आज ये अपने कपड़ों पे कर रही है प्रेस। ये देखो इसे मैं कई बार टोक चुकी हूँ कि तू अपने कपड़ों पे, फाइनली मेरा टाइम लग गया, फाइनली इसका टाइम लग गया आज। और आज इसने सोच लिया कि मम्मी का कहना पूरा करना पड़ेगा और कपड़ों प्रेस करनी पड़ेगी, और बेटा इस वाली पैंट पे ऐसे प्रेस नहीं होती। 11:30 बजे धूप ने दर्शन दे दिए हैं सूर्य देवता जी ने, तो यहाँ पर अभी बच्चे वेट कर रहे हैं नहलाएंगे नहीं, लेकिन आज इनका नहलाना कैंसिल है, फिर नहा नहा के ये मिट्टी में खेलेंगे, आज इन्हें खेलने देते हैं, इनकी मनमानी करने देते हैं। तो फिलहाल हमारे क्लीनिंग के पूरे घर के काम निपट चुके हैं
और ये गए थे कुछ फ्रूट्स लेने के लिए यहीं से धन्नों पे, बहुत पुरानी धन्नों, आज इनके हाथ तो चढ़ गया। ये देखो पूरे स्टाइल में घुमा घुमा कर चला रहे। क्या क्या मिला, केले नहीं मिले? मिला इतने इतनी धुंध थी, इतनी सर्दी, आज कोई कुछ लाए ही ना, केले केले मिले ही ना। देखो कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पे, और खाने पीने की व्यवस्था भी इनकी टेबल पे ही है, जैसे कि भाई इन्हें एक भी मिनट का समय नहीं है, और ये काम रहेगा आज इन्हें, है आज क्रिसमस डे इस रूप में मनाने वाले हैं ये, हैं है भाई नंदनी? इसमें कंप्यूटर में देख के, इसे देख के मनाएंगे ये, कैसे मनाए हैं भाई? है आरुषि, इसे पूरा देख लें दो, ये 5 मिनट तो है, तो 5 मिनट पूरा देख के तब मनाओगे आप क्रिसमस डे, हैं हैप्पी वाला। किसने बताया आपको इसे देख के मनाया जावे? आपने मम्मी तो फोन दे दियो चलाते क्रिसमस इसे चलाना, और मैं मना दूंगी तो मतलब तेरी मम्मी का फोन, तेरी मम्मी का फोन चला के मैं तुझे दे दूं, हैं क्रिसमस ट्री चलाते दही, और मैं वे भी मना यार पेन तो वे भी लेते दही, और मैं उसमें तो लाल मिस मिस ट्री में फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, हैं देख लो, मतलब मुझे उल्टा ज्ञान दे दे हैं, अगर मैं इन्हें कुछ चीज को टोकूं तो सबसे पहले ये नंदनी मुझे ही ज्ञान दे दे उल्टा, हैं। और एक ही है भाई, ये भाई ये प्लेट उठा लूं? हाँ उठानी पड़ेगी, खाली कर दे। पानी वानी की व्यवस्था है बता देना बेटा, गरम करके दे दूंगा। हाँ ये उठा दूं, अब पता नहीं है ये क्या था भाई, क्या खाया इसमें? मैगी। और ये मटर, मटर अलग कर दिए, ये नहीं खाए? पसंद नहीं लगते ये? अच्छा ये भी बात है भाई, मैगी में अगर मटर डालो तो उसे पसंद नहीं लगते। ज्यादा मांस करनी बंदी, क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही हैं? क्या हो गया था नंदो? बता रही इसे मैं स्लाइड में चल रही मना रही तो, या तो क्या कर देगी फिर अगर नहीं बनाया तो? हाँ क्या कर देगी? मार दूंगी किसके? मैं तेरे मार दूंगी, आरुषि तो मार दूंगी मैं। अच्छा। मैं नंदू के मार दूंगी, मैं तेरे मार दूंगी, मैं तेरे मार दूंगी। अच्छा पागल ना समझे मुझे, पागल पागल ना समझे से आरुषि बिल्कुल भी। हाँ हाथ इसका भी उठ सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो मेरा भी उठ सकता इस पे है? तो मेरा नहीं उठ सकता, नहीं नहीं इसका उठ सकता है, नंदनी का तो मेरा नहीं उठ सकता। नहीं तेरा मैं उठने नहीं दूंगा ना, मैं यहीं पे हूँ। अभी दोपहर का वक्त है, दोपहर के बजे हैं 2:15। आज आई है पूजा काफी दिनों बाद घूमने के लिए, काम निपटा के। हाँ टाइम लग जाता, आज टाइम लगा, वैसे तो घर के कामों में कभी फुर्सत नहीं होती। अभी जैसे थोड़ा सा काम निपटा था घर का, साफ सफाई का, खाने पीने का, अब फिर खाने पीने की तैयारी में लग गए। ये कल की जो सब्जियां हैं ये हमारा इंतजार कर रही, हमें ये साफ करनी है, ये धनिया पत्ती भी साफ करनी है, सबसे पहले करनी है ये मेथी साफ, और आज बनाएंगे हम लोग पालक का साग। ये देखो जी चाय पी रहे हैं सारे के सारे बैठ के यहाँ पे, ये भी इतना ज्यादा जड्डा लग रहा, और मेरी भी आ गई गिलास में, सबको बड़े बड़े बर्तनों में दे रखी, कटोरा है लेकिन बढ़ नहीं रहा थोड़ा। अरे चौकड़ी में बैठ जाओ, यहाँ से झुक कर सारे बैठे हैं यहाँ से, देखो चौकड़ी लगा के लगती कहीं भी। हाँ लगे लगती ही नहीं।